वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? मेरे बाबा का इंतकाल हुआ है, आप शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हैं? आपके बाबा की गैरहाजिरी मुझे बहुत तकलीफ देती है। वो सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं थे, मेरे शौहर कबीले के सरदार और सरबराह भी थे। मैं भी तकलीफ में हूं। क्या आप ऐसी तकलीफ में हैं वालिदा कि अभी शादी करवाना चाहती हैं? मैं भी बात कर सकती हूं, गम खत्म होने के बाद ही खुशी मनाई जाएगी। क्या मैं खुशी की बात कर रही हूं? एक शादी हिल चिटेक, लेकिन ये शादी होकर रहेगी, इसे होना है। क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? इस ओहदे को देखो, सरदारान मुझे अभी इस ओहदे पे बैठने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा गम खत्म होगा तो वो लोग हमसे पहले से भी ज्यादा बातें करेंगे। तो क्या आप इससे पहले कि तुम कुछ कहो, ये ओहदा मैं आक्तेमूर को दे रही हूं। आक्तेमूर को? लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, वो यनी शहर का सिपाही है। वो मानेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आक्तेमूर ने अगर इस ओहदे को ठुकराया तो फिर कारगुन कबीले को भूल जाओ। आक्तेमूर को मैं जानती हूँ, वो इसे कबूल नहीं करेगा। वो करेगा। क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम उसे कायल करोगी। मगर कैसे? आलचेचेक, अपनी अकल इस्तेमाल करो बेटी। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो बेटी, लेकिन तुम जान लोगे, ना तुम मेरे लिए ना तुम अपने लिए बाबा की अमानत अपने कबीले के लिए कर रही हो। अब जाओ और आक्तेमूर से बात करो।